कबीर पंथ के विचारधारक स्वर्गीय गोसाई रामकरण राय जी की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। वैशाली से नसीम रब्बानी के साथ राजू कुमार की रिपोर्ट। वैशाली, इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष रामस्वार्थ राय तथा संचालन संस्था सचिव कृष्ण किशोर कमल ने किया। इन्होंने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए स्वर्गीय रामकरण राय जी के विचारों को रखा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सर्वप्रथम स्वर्गीय गोसाई रामकरण राय जी के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उच्च विद्यालय बेलवर घाट के शिक्षक उमेश कुमार निराला ने कहा कि स्वर्गीय रामकरण राय जी कबीर मत के मानने वाले लोग थे। इनके अनुसार जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, वह जिंदगी में सफल होते हैं। निश्चित रूप से कबीर दास जी का कहना था कि वही व्यक्ति सफल होता है निरंतर प्रयास करता है, क्योंकि जो गोताखोर पानी में जाता है वह कुछ ना कुछ लेकर आता है, लेकिन जो किनारे बैठे थे रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता। कबीर दास जी के हर दोहे उद्देश्य पूर्ण है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोली जानी, लिए तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। हमें इनके विचारों से सीखने की जरूरत है। श्री कृष्ण किशोर कमल जी कर रहे हैं, ये उनकी तीसरी पुण्यतिथि और कबीर विचार के मानने वाले थे और कबीर के दोहे हम लोगों ने भी अपने क्लास में पढ़ा होगा। कबीर दास जी के जो भी दोहे थे, जिंदगी को सार्थक स्वरूप कैसे दिया जाए, सत्य कैसे अपनाया जाए, उस विचारधारा पर चलने वाले कबीर मत के लोग होते हैं। और शायद ये वैशाली की धरती है जहाँ भगवान महावीर हुए, गौतम बुद्ध हुए, उनका उपदेश ही था कि सदा सत्य हो, अहिंसा से दूर रहो। पशु हत्या पर उन्होंने बल विशेष बल दिया कि पशु हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ये वैशाली की धरती है और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण को भी आप उलट करके देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें आपको आएंगी। सत्य की विजय हुई। तो हमको कबीर मत मानने वाले जो भी लोग हैं, उनकी विचारधारा अलग होती है, समाज को सार्थकता देने का प्रयास होता है। अब अलग बात है कि कल था पितृत्व दिवस, तो हम पिता को साल में एक दिन याद करें।